दोस्तों, जो लोग एड़ियों के फटने से परेशान हैं, उनके एड़ियों से खून आता है या वो अपना एड़ियों का इलाज बहुत ही ज़्यादा समय से करते हैं और फिर दोबारा से उनका एड़ियाँ फट जाती है, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि अगर आप उसे एक बार ही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फटी हुई एड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों वैसलीन। दोस्तों, ये वैसलीन आपको बहुत ही आसानी से जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। दोस्तों, इसे पेट्रोलियम जेली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सर्दियों के मौसम में फटे होठों के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर लेने हैं थोड़ी सी मात्रा में इस वैसलीन का। दोस्तों, इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। दोस्तों, अगर आपके घरों में एलोवेरा का पौधा है तो आप यहाँ पर फ्रेश और ताज़ा एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक चम्मच की मात्रा में इस एलोवेरा जेल को। तो दोस्तों, मैंने ले लिया इसमें एक चम्मच की मात्रा में एलोवेरा जेल। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि हम इसे दोनों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, अगर आप अपने इसे फटे हुई एड़ियों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वैसलीन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि आपके फटी हुई एड़ियों के जो रूखेपन है उसे दूर करता है और ये एलोवेरा आपकी फटी हुई एड़ियों से जो खून निकल रहा है उसे रोकने में मदद करता है। दोस्तों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेने हैं और जब आप तैयार कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमें इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इसको इस्तेमाल आप रात में जब सोने जाएँ तो सोते वक्त क्या करें कि आप अपने हाथों के सहारे आप अपने फटी हुई एड़ियों के ऊपर लगा दें। दोस्तों, फटी हुई एड़ियों के ऊपर लगाने के बाद आप वैसे ही सो जाएं। दोस्तों, सोने के बाद से आप सुबह जब उठें तो सुबह हल्के गुनगुने पानी से इसे धो दें। दोस्तों, जब आप इसे गुनगुने पानी की सहायता से अपने एड़ियों को धो देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी एड़ियाँ जो फटी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और साथ ही साथ खून का आना बिल्कुल बंद है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बताए अनुसार अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी फटी हुई एड़ियों की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।